तो इसमें क्या है कि, हाँ जी सरवीन चलो तुम्हारा पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछना है। पहला क्वेश्चन शायद गलत है या इनकम्प्लीट है। वाला, सी नंबर ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल रुक जाओ सही भाई। है क्या? ए ए में क्या क्या है? तो मोर देन वन करेक्ट हो सकता है ना, 1 माइनस 1 3 इसकी आइगन वैल्यू है, तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या क्या है? स्क्वायर हो जाएगा। 119। तो ए प्ल ए स्क्वायर प्लस ए की आइगन वैल्यू क्या हो, क्या क्या पूछा है? जो कह रहा है वही करो ना, किया तुमने? अरे भाई सिंगुलर नॉन सिंगुलर पता है तुम्हें? नॉन सिंगुलर आ रहा है, सिर्फ सी नंबर का सिंगुलर। क्वेश्चन तो क्या समझ नहीं आ रहा इसमें, क्वेश्चन गलत है पूछ रहा है, कुछ क्यों गलत है? नहीं दिया। कहाँ कुछ नहीं दिया, दिया तो है सब कुछ। तुम्हें क्या चाहिए क्वेश्चन में? सिंगुलर नॉन सिंगुलर चेक करने के लिए क्या करना होता है? सर मॉड ए अगर 0 आता है मॉड तो या डिटरमिनेंट? हाँ डिटरमिनेंट आइगन वैल्यू से कैसे आती है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो दे तो रखा आइगन वैल्यू, तुम क्यों करे नहीं दे रखा? दे तो रखा आइगन वैल्यू यहाँ पे। यह लिखा है कि एस स्क्वायर प्लस सी ए इज ए नॉन सिंगुलर, तो ऑप्शन में सी जो है वो ठीक दिया है। नहीं, ऑप्शन गलत हो सकता है, उसका टेंशन मत लो। अगर तुम कह नहीं, उसका टेंशन थोड़ी है, हमें अपने तरीके से सॉल्व करना है आंसर क्या। ऑप्शन हो सकता है लिखने में गलती हो जाती है, वो बना रहा होगा, वो अलग चीज़ है। तुम अपने तरीके से सोचो ना कि ए स्क्वायर प्लस ए की आइगन वैल्यू क्या होगी, तो इसको ऐड करो, क्या हो गया? 2, 0 और 12। सो डिटर्मिनेंट ए प्लस ए कितना, ए स्क्वायर प्लस ए कितना आ गया? मल्टीप्लाई करो ना, 0 आ गया। तो पहला का डिटरमिनेंट 0 है, तो क्या होगा इसका मतलब? सिंगुलर हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। ए स्क्वायर माइनस ए, बताओ ए स्क्वायर माइनस ए की आइगन वैल्यू क्या है? 0 माइनस 2 6। -6, व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए? डिटरमिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो मुझे ए की आइगन वैल्यू दे रखी है, तो मैं ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू निकाल लूंगा। ए और ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू आ गई, तो मैं ए स्क्वायर प्लस ए की आइगन वैल्यू निकाल लूंगा, फिर ए स्क्वायर माइनस ए की निकाल लूंगा। तीसरे ऑप्शन में बोला है ए स्क्वायर प्लस 3 ए की मैं आइगन वैल्यू निकाल लूंगा, समझ आया ना? ए स्क्वायर माइनस 3 ए की। अब सिंगुलर नॉन सिंगुलर चेक करना, डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट आ गया, डिटर्मिनेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू हो गया, तो उससे आ जाएगा सिंपल। नहीं नहीं ऐसे कैसे करना, ये ए प्लस आई हो जाएगा, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। ए का डिटरमिनेंट देखो, ए प्लस आई, तो ए प्लस आई की जो आइगन वैल्यू होगी वो आ जाएगी 2, 0, 4। तो ए प्लस आई का डिटरमिनेंट 0 है, कैसे भी करो ना, ये इस तरीके से करो, ठीक है? पहले आइगन वैल्यू निकालो जिस मैट्रिक्स का बात किया, उसके बाद उसको आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट इज द डिटरमिनेंट, ठीक है? इसमें क्या है बताओ, क्या डाउट है इसमें, पूछना क्या चाह रहे हो? एम बी ए रियल मैट्रिक्स, ये तुम्हें आइगन वेक्टर दे रखा है, 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ एम, अल्फा रियल नंबर है, सो वेयर फॉलोइंग इज नॉट बेटर। तुम्हें पता लिनियरली इंडिपेंडेंट, देखो तुम्हें कल भी मैं एक थ्योरम बताया था कि आइगन वैक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। अब तुम्हें 3 वेक्टर दे रखा है ना, वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है, तो क्या करोगे? तो इस, नहीं, उतना मत करो, मैं बोल रहा हूँ 3 वेक्टर जो है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट। अभी मैंने लिनियरली इंडिपेंडेंट कुछ दिन पहले पढ़ाया था। लिनियरली इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि अगर इससे तुम मैट्रिक्स बना लोगे तो 0 माइनस 1 अल्फा, ध्यान दो, मैंने पहले वैक्टर को पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तीनों कॉलम क्या है इसका? क्वेश्चन पढ़ के बताओ, वैक्टर्स आर वॉट? अरे पहले क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन रीड करो पहले, तुम क्वेश्चन ही तुम्हें समझ नहीं आता। क्वेश्चन में क्या गिवन है मुझे? करस्पॉन्डिंग टू वॉट? करस्पॉन्डिंग टू, तो पहला रिजल्ट में क्या यूज कर रहा हूं?
कि आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक, तो ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है, और तीनों क्या है? तो ये जो मैट्रिक्स है इसका रैंक कितना होगा? कम क्यों होगा? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रैंक? इंडिपेंडेंट के टर्म में क्या रैंक था? रो रैंक का डेफिनेशन क्या है? कॉलम रैंक का डेफिनेशन? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉलम रैंक? डेफिनेशन ऑफ कॉलम रैंक क्या है? नहीं नहीं नहीं, डेफिनेशन ऑफ कॉलम रैंक, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉलम रैंक? रो रैंक का डेफिनेशन क्या है? कॉलम रैंक का डेफिनेशन कुछ दिन पहले मैंने कराए हैं, तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रो रैंक? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉलम रैंक? अच्छा, रैंक निकालने का मैंने तीन तरीका बताए थे, क्या क्या है बताओ जरा। हाँ, तो कॉलम रैंक क्या हुआ, फिर से रिपीट करो, व्हाट इज कॉलम रैंक? मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स। इसमें कितने इंडिपेंडेंट कॉलम है, रैंक कितना हुआ फिर? और रैंक अगर थ्री है तो डिटरमिनेंट क्या होगा? तो हो गया, तो इसके डिटरमिनेंट को नॉन जीरो करो, फिर अल्फा इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू समथिंग आ जाएगा। ठीक है, है ना, बोला ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा। तो यही सॉल्व करोगे तो लीनियर इक्वेशन आएगी कुछ। एग्जाम्पल के लिए मान लो ऐसा आ गया, अल्फा माइनस वन डिटर्मिनेंट, तो इज नॉट जीरो, तो आ जाएगा अल्फा नॉट इक्वल टू वन। अगर ऐसा आया तो देखो क्या आता है, तुम्हें खुद सोचना है। तो इसको रिलेट करो उससे, तो एक तो बहुत सारे थ्योरम्स यहाँ यूज हुआ, तीन थ्योरम। जो पहला थ्योरम यूज किया मैंने कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर इंडिपेंडेंट होगा। आइगन वैक्टर इंडिपेंडेंट है तो इसका रैंक थ्री होगा, रैंक थ्री है तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगी, नॉन जीरो है, यहाँ से कहाँ आंसर आ गया। तो इसको रिलेट करो ना, थ्योरम्स को रिलेट करो, फिर वैसे करके आ जाएगा। ठीक है, थ्योरम्स देखो तुम क्या कर सकते हो। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अर्का, तो और कोई है तो अभी ठीक है। मानस आपका भी डाउट है?